हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर 3 11th क्लास का सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, जो बहुत इजी है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपको नॉलेज तब होगी जब आपको क्वांटम नंबर्स की नॉलेज होगी और साथ में तीन रूल्स की नॉलेज होगी। तीन रूल कौन कौन से, अबव प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर, क्योंकि इसमें सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही होगा, पूरा का पूरा, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट उसी पे होंगे, एक दो टॉपिक्स को छोड़ के। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये पहला लेक्चर है बेटा जी आपका, ठीक। हम यहाँ पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन से ही स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, देखिए एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से अरेंज करा गया है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर हो। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर। क्लियर, तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। किस साइंटिस्ट ने किया भाई, सबको पता है, हेनरी मोजले। सबको बताइए, हेनरी मोजले ने बताया था। क्लियर, ओके। देखिए हेनरी मोजले एन इंग्लिश फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड इन 1913, ठीक है, दैट एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड नॉट इट्स एटॉमिक मास। मतलब जो कहने का है कि उसको अरेंज करा गया है उसके एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास पे नहीं, और साथ साथ में उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, तो हर ग्रुप की, जैसे ग्रुप जो होते हैं वो आपके वर्टिकल होते हैं 18 ग्रुप, और हर ग्रुप की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, कहीं कहीं एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके एटॉमिक नंबर पे अरेंज करा गया, उसके एटॉमिक मास पे नहीं। एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटोन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, ठीक है। किसी भी एटम के ऊपर जितना उसका एटॉमिक नंबर है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके पास होंगे। क्यों, क्योंकि जैसे सपोज है मेरे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है, तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, सेम 11, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। लेकिन आप ये हमेशा नहीं बोल सकते कि भाई सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे, नहीं, वो बस उस केस में होगा जब वो न्यूट्रल होगा। जैसे Na है, Na पे कोई चार्ज नहीं है, तो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। लेकिन अगर Na प्लस हो गया, मतलब वो कैटायन की फॉर्म में आ गया Na प्लस, तो उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके एटॉमिक नंबर के बराबर ही रहेंगे, लेकिन उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो जाएंगे या फिर एटॉमिक नंबर से कम हो जाएंगे। क्लियर है, जैसे Na प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास, उसके पास 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 रहेंगे, और सेम एटॉमिक नंबर भी उसका 11 ही रहेगा। परफेक्ट है, ओके, ठीक है। फिर बोला गया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम इज आल्सो इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। न्यूट्रल के लिए कह रहा भाई, न्यूट्रल जैसे मैंने बताया, न्यूट्रल के लिए जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल के लिए। क्लियर, उसके बाद दिस डिस्कवरी चेंज द होल प्रस्पेक्टिव अबाउट द एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टी टू सच एन एक्सटेंड दैट अ नीड वॉज फेल्ट to change the periodic law also. Now we shall learn about the changes made in the periodic law. ठीक है, सबसे पहला आपका है modern periodic table पे जो law लगा है वो modern periodic law. ठीक है, after discovery of atomic number the periodic law was modified and the new law was बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक जो पूरा का पूरा आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज करा गया है वो तीन चीजों पे याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहला आपको याद रखना है वो एटॉमिक नंबर पे, किस पे, एटॉमिक नंबर पे। दूसरा, हर ग्रुप की जो प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्शन होंगे कहीं कहीं, ठीक है ना, आपको पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। एटॉमिक नंबर इन द प्लेस ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। क्लियर, फिर द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स द केमिकल एंड, मैंने बोला ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल, तीन चीजों को याद रखिएगा। सबसे पहले अरेंज करा गया है किसको लेके, एटॉमिक, हाँ, मास को हटाया पहले एटॉमिक नंबर पे, साथ साथ में हर ग्रुप की प्रॉपर्टीज, हर ग्रुप की
प्रॉपर्टीज ऊपर से जो वर्टिकल लगी हुई है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, परफेक्ट है। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, क्लियर, उसी के अकॉर्डिंग चलिए। ओके, फिर आफ्टर द चेंज इन द पीरियोडिक लॉ मैनी ऑफ द चेंजेस वर सजेस्टेड इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। Now we shall learn about the modern periodic table which finally emerged. ठीक है, उसके बाद इन सबको लेके जो बनाया गया आज के टाइम में वही हम periodic table पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या भाई, एलिमेंट्स को अरेंज करा गया एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास का फंडा साइड कर दिया गया, एटॉमिक नंबर पे उसको अरेंज करा गया। जैसे हाइड्रोजन सबसे पहले, उसके बाद हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ETC, इस तरीके से चलते गए। और आज तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो 118 है, जो आप उसमें चेक कर लोगे अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट डिस्कवर हो रखे हैं अभी, ठीक है ना। साथ साथ में इसको और अच्छे से बनाने के लिए क्या यूज़ करा गया, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। 18 ग्रुप थे जो वर्टिकल होंगे, ठीक है, 7 पीरियड होंगे जो हॉरिजॉन्टल होंगे, अभी आपको दिख जाएगा, परफेक्ट है, इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जो पीरियडिक टेबल दिखेगा भाई वो इस तरीके से दिखेगा, देखिए पीरियडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट, ये पूरा पीरियडिक टेबल है आपका, क्लियर। आपने, मैंने जैसे बोला कि जो वर्टिकल होंगे, वर्टिकल ये आपके क्या होंगे, पीरियड्स होंगे, सॉरी ग्रुप्स होंगे, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होंगे वो क्या होंगे, पीरियड्स होंगे, ठीक है। तो ये पहला हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ तक 18 तक दिख रहा होगा आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18, ये 18 आपके पास क्या हो गए, ग्रुप हो गए, क्या हो गए भाई, ये ग्रुप हो गए बेटा जी, परफेक्ट है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये क्या हो गए बेटा जी, आपके पास पीरियड्स हो गए, क्लियर है, ये पीरियड्स हो गए, परफेक्ट है। 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं आपके पास। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी बेटा जो हमने 9th या 8th, 9th, 10th क्लास में हम पढ़ते हैं कि पहले शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, उसके बाद सेकंड शेल में जो के एलिमेंट शेल वाला आपने पढ़ा होगा, पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके बाद वाले शेल में कितने आते हैं, 8, फिर ना 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 देखिए पहले में 2 आते हैं, फिर 8, फिर 18, 32, 32, 7 हो गए, ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 हो गए, साथ हो गए ना, और ये साथ, ये किस तरीके, ये पूरा पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बनाया है। देखिए पहले ग्रुप में, ये ग्रुप वन है, ग्रुप वन में देखिए कितने एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन है और हीलियम, इसीलिए पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, इसीलिए पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। सेकंड में देखिए, सेकंड में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सेकंड वाले में कितने आएंगे, ठीक है। थर्ड वाले में चेक करिए, 1, 2, 5, 6, 7, 8 कितने हो गए अभी, समझ आया। अब थर्ड वाले और फोर्थ वाले में कितने होते हैं, 18, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ही है, ठीक है, ठीक, क्लियर ना, गिन लीजिएगा आप, वैसे ग्रुप के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है ना, 18। फिर फिफ्थ में कितने होते हैं बेटा, 18 अगेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, क्लियर है, ठीक है। फिर आपका जो सिक्स्थ है, ठीक है, सिक्स्थ है, सिक्स्थ में कुछ एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स गायब होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन आप ये इस पोजिशन पे देखेंगे तो 57 से लेके 71 के बीच के एलिमेंट क्या होते हैं, गायब होते हैं, क्या होते हैं, गायब होते हैं, मतलब 14 एलिमेंट्स वो है गायब यहाँ पे, देखिए जो कहाँ पाए जाते हैं, आपके नीचे पाए जाते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये वाले तो यहाँ से यहाँ तक कितने हुए, 18 हो गए, और ये 14 हो गए, 18, 14 कितने हो गए भाई, 32, इसीलिए सिक्स वाले में कितने पाए जाते हैं, 32, ठीक है, और सेवन्थ वाले में सेम यहाँ पे देखिए, फिर 14 और गायब है जो यहाँ पाए गए आपके, क्लियर। तो इस सेवन्थ वाले में भी कितने हो गए आपके,
टोटल 32 हो गए, ठीक है। तो पहले में दो आते हैं, दूसरे में आठ 18 32 32, ठीक है। सातों पीरियड की ये कहानी है, क्लियर है। अच्छा, ये प्रेडिक्ट टेबल है, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये सबको आपको पता ही होगा। 30 तक आपको मेनली याद ही रखने हैं टिप्स पे। आपको 30 तक कोई भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दे ना दे, उससे सीबीएसई को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? सीबीएसई कहता है भाई कि 1 to 30 एलिमेंट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मास की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि डेंसिटी वेंसिटी, तो ऑब्वियसली वो देगा ही, ठीक है। डेंसिटी वेंसिटी कोई भी और चीज़ आए तो वो आपको वो गिवन देगा, लेकिन 1 to 30 में मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। परफेक्ट, ओके, ठीक है। तो ये आपका प्रेडिक्टेबल है। पहला ग्रुप जो होता है, ठीक है, पहला ग्रुप, पहले ग्रुप को बोलते हैं हम क्या, मेटल, एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं भाई इसको? एल्कली मेटल। पूरे ग्रुप को, पहले ग्रुप वन को हम बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। दूसरे वाले को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। परफेक्ट है। पहला वाला ग्रुप वन को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। दूसरे वाले ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। फिर जो आपका थर्ड से लेके जो 12th तक होता है, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं भाई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू में पूछ सकता है ये कि भाई कौन से ग्रुप को हम एल्कली मेटल बोलते हैं, कौन से ग्रुप को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो ग्रुप वन को बोलते हैं हम क्या? एल्कली मेटल। ग्रुप टू को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। और ग्रुप तीन से लेके 12 तक एक ही नाम है, नाम है उसका डी ब्लॉक एलिमेंट तो होते ही है यहाँ पे, लेकिन आप ट्रांजिशन एलिमेंट समझ के चलिए बस, ठीक है। उसके बाद आगे 18 तक, तो 18 वाला जो है वो नोबल गैस होता है, सबको पता है नोबल गैस। क्या बेटा जी? नोबल या फिर इनर्ट गैस, नोबल या फिर इनर्ट गैस। परफेक्ट है, ठीक है। फिर जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन को बोलते हैं, फ्लोरीन वालों को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ठीक है। ये सारे होते हैं आपके कौन से? हैलोजेंस। क्या होते हैं? हैलोजेंस। क्या होते हैं बेटा? हैलोजेंस, हैलोजेंस, ठीक है। 16 वाले को बोलते हैं चालकोजेंस। क्या बोलते हैं? चालकोजेंस, कॉमन नेम है 16 ग्रुप को, चालकोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चालकोजेंस, चालकोजेंस, ठीक है। और नाइट्रोजन वाले को, इस वाले को, इस वाले को फैमिली के नाम जानते हैं। जैसे नाइट्रोजन वाला हो गया, इस वाले को पूरा, तो नाइट्रोजन पहले लगाया तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली, फैमिली, क्लियर, नाइट्रोजन फैमिली। ऐसे इस वाले को पूरे को बोलते हैं क्या? कार्बन फैमिली। इस वाले को बोलते हैं पूरे को बोरोन फैमिली, क्लियर। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है? प्रेडिक्ट टेबल। इसके बाद प्रेडिक्ट टेबल में जो ग्रुप वन और ग्रुप टू जो होते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू जो होते हैं बेटा, ग्रुप वन और ग्रुप टू है जो आपके, ये ग्रुप वन और ग्रुप टू, ठीक है। इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। याद रखिएगा, चार तरह के शेल हैं आपके पास, चार तरह के शेल होते हैं आपके पास, ठीक है। SPDF जो अभी तक एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 40 शेल यूज करते हैं, सॉरी सब शेल यूज करते हैं, ठीक है। SPDF, तो जो आपका ग्रुप वन और ग्रुप टू है वो S ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी का आता है। अब S ब्लॉक एलिमेंट्स को आप डिफाइन करना चाहो तो किस तरीके डिफाइन करोगे? बोला जाए क्वेश्चन की डिफाइन द टर्म S ब्लॉक एलिमेंट, तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, दोज एलिमेंट्स विच हैज वैलेंस या लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सब शेल, एस सब शेल, एस सब शेल। क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट है तो इसको कैसे पहचानोगे कि भाई इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सब शेल में होगा, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। लाइक जैसे आप देख लिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? 1s1। क्या होती है? 1s1, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका एस ऑर्बिटल में है, इट मींस ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, ओके। फिर लिथियम ले लीजिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है यहाँ पे, तो 1s1, 1s2, 2s1, सेम ऐसे पाया गया। बेरिलियम भी सेम, ठीक है, ओके। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप पहचान लेंगे जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एस सब शेल में। फिर आपका आता है यहां से थर्ड से लेके 12 तक, तो इसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना आता है। जैसे हमने एस ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन कर लिया, व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? क्या बोलोगे?
ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एस सब शेल में, सेम यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए बोले या फिर आपको पहचानने आइडेंटिफाई करने के लिए बोले, तो आप कैसे पहचानोगे भाई कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट का है जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा डी सब शेल में, और डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पांच। कितने होते हैं, पांच, याद है ना बेटा, पांच। एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में तीन होते हैं, डी में पांच, एफ में सात ऑर्बिटल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर बोलो, बोलो कौन सा क्वांटम नंबर होता था, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा बताता है, क्वांटम नंबर मैग्नेटिक का, ठीक है, ओके। तो पहला और दूसरा, पहला एल्कली मेटल है, दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन दोनों कॉम्बो में बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है सब शेल में, परफेक्ट। फिर तीन से लेके बारह तक कौन सा होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है किसमें, डी सब शेल। उसके बाद फिर आपका 13 से लेके 18 तक, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक आपका कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहलाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। 13 से 18 तक क्या कहलाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो पी सब शेल। क्लियर है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं बहुत इजीली। अच्छा, आपने जो चार सब शेल्स पढ़ी है वो पढ़ी एस पी डी एफ, एस पढ़ लिया, डी पढ़ लिया, पी भी पढ़ लिया, बचा कौन सा एफ। तो एफ चेक करेंगे हम भाई यहां पे, ये जो मैंने बताया ना 14 एलिमेंट गायब थे देखिए, और यहां पे भी, तो ये वाले जो 14 हैं वो यहां पे यहां से पाए गए, ठीक है। ये होते हैं आपके एफ ऑर्बिटल, क्या होते हैं, एफ, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये होते हैं, ठीक है, ये पूरे के पूरे, ठीक है। एफ में भी जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड, नीचे वाले को बोलते हैं एक्टिनॉइड। ऊपर वाला जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, क्या होता है ये, हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिव होता है, और नीचे वाला क्या होता है भाई, रेडियो एक्टिव। नीचे वाला जो है वो रेडियो एक्टिव, क्या होता है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, क्लियर है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, परफेक्ट है। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाला एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डिफाइन करने को बोले कोई कि भाई डिफाइन द टर्म एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एफ सब शेल में वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, क्लियर ना, परफेक्ट है। इस पूरे पीरियोडिक टेबल को आप बना लीजिएगा, क्लियर है, डाउट किसी को जल्दी नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी, चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए, ठीक है, यहां पे एक टॉपिक है आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या कह रहा है बेटा, कि अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या कह रहा है, अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से अबव है, 100 से अबव मतलब Z मोर देन 100, Z मतलब एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होगा, तो उसका जो नाम करोगे आप वो आईयूपीएसी के रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे। क्यों, क्योंकि भाई अभी तक तो जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो 118 हैं, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो रखे हैं। अच्छा, इन फ्यूचर और भी अभी डिस्कवरी चल रही है भाई, क्या पता कहाँ सा कौन से प्लैनेट से कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, कोई एलियन पार्टिकल ही डिस्कवर हो जाए, एलिमेंट कोई भी कुछ भी डिस्कवर हो जाए आपका, ठीक है, तो उसके नाम कैसे करेंगे, तो उसका ना एक रूल बना दिया गया, इन फ्यूचर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसका नाम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, बस उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और वो उसका नाम हो जाएगा, क्लियर। जैसे तो इसको ना ऐसे बनाया गया, देखिएगा थोड़ा ध्यान से बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर्स मोर देन 100, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बनती किससे है भाई, डिजिट से बनती है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है हमारे पास, 10 डिजिट है, 0 to 9 डिजिट है ना बेटा, 0 to 9, तो डिजिट प्रेजेंट इन एटॉमिक नंबर, 0 को अगर 0 होगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, नंबर में निल, 0 को बोलूंगा निल, 1 को बोलूंगा अन, इसको बाय, इसको ट्राय, इसको क्वाड, इसको पेंट, इसको हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, टोटल होगी 9, ठीक है, और इसको एब्रिविएशन में बोलूंगा निल को एन, इसको यू बी टी क्यू, तो इनिशियल्स बोल देंगे हम, ठीक है। तो सपोज एक मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ बेटा आपका, सपोज मेरे पास है एटॉमिक नंबर, ध्यान सुनिएगा एटॉमिक नंबर, दो मिनट में सीख जाओगे भाई, एटॉमिक नंबर है सपोज मेरे पास 101 है, 109 हो गया, ठीक है, ये हो गए, इन सब के मुझे नाम करने हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर है पहला वाला 101, इसका नाम करना है, तो ये बना है 1 से 0 से, तो 1 को क्या बोलते हैं भाई, अन, तो बोलिए अन, फिर 0 है तो 0 को
निल निल, फिर क्या है, ठीक है हो गया, ठीक है। लास्ट में अच्छा सा साउंड करने के लिए आप लगाएंगे ईएम ईएम ईएम, जैसे सोडियम सोडियम आईयूएम, मैग्नीशियम लिथियम एल्युमिनियम ईटीसी, है ना। तो ये अच्छा साउंड करेगा आपका, ईएम लगाएंगे हमेशा लास्ट में, क्लियर है बेटा। ये नाम हो जाएगा अननिल अनियम, अननिल अनियम इस एटॉम इस एटॉमिक नंबर का नाम है ये, क्लियर। और इसका एब्रिविएशन देखेंगे तो यू एन यू हो गया, समझ गए, परफेक्ट है बेटा, ओके। इसका देखिए, ये सपोज हो गया आपके पास 109, तो अन निल एन यम, ये जाएगा अन हो गया, ये समझ आया, परफेक्ट है, इजी है, ठीक है। देखिए बच्चे गलती कहां करते हैं, गलती कहां करेंगे बच्चे, दो चीजों में गलती कर देते हैं बच्चे यहां पे, ठीक है, और आते हुए भी उनका क्वेश्चन हो जाता है गलत, जो कि है आपका ये वाला, ठीक है। देखिए इसका मैं करना चाहता हूं, तो देखिए अब बोलेंगे इशू, इशू बोलिए इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा स्पेल, स्पेलिंग के साथ अन यू एन ऐसे करके बोलो, बोलो दो बार बना, अरे बोलना, हाँ कोई बात नहीं, दो बार लिखेंगे, डाई यूज नहीं होगा, अन 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 हाँ, उसके बाद थ्री ट्राई, स्पेलिंग स्पेलिंग बोलो, टी आर आई, आगे बोलो क्या लिखूंगा, यू एम है, यू एम क्यों ईएम नहीं लगा होगा लास्ट का, है तो ट्रू तो ट्राई का है ना, आई डबल आई है, है? हाँ तो यही है, यहाँ पे गलती ही होती है कि अगर आप लिखना चाहते हैं इसको ट्राई ट्राई का ट्राई और फिर ईएम का ईएम ये, तो ये काट के जीरो कर देता, बच्चे ने सही बोला, ये सही है, परफेक्ट, मतलब समझ गए। लास्ट में ये और ये ऐसे आपके वो है डिजिट है जिसके लास्ट में आई आता है, ठीक है, इसके लास्ट में आई आता है, तो दो आई को एक साथ नहीं लिखना बेटा, ये परफेक्ट है, समझ गए, ये मत लिखिएगा काट देगा, समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं, है ना, ये बाई बाई ईएम में आ सकता है, ट्राई ईएम में आ सकता है, और किसी में तो एन चेक कर लीजिए, इसमें भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इन दोनों में है बस, परफेक्ट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, यू यू टी, खत्म, ठीक है, परफेक्ट है, नोट कर लीजिए बेटा जी फास्ट, इसको बेटा जी फास्ट करिए नोट, ठीक है। अब देखिए जल्दी नोट करिए फास्ट, इसके कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, इजी है बिल्कुल ये, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, पांच सा दे देता हूं, तो भाई ये एटॉमिक नंबर ले लो, एटॉमिक नंबर ये ले लिया 151, 501, कोई भी क्या पता किसी युग में ये जो है किसी युग में इस एटॉमिक नंबर का तो हो गई डिस्कवर हो ही जाए, ठीक है। तो इन सब के आपको नाम लिखने हैं बेटा जी, ठीक है, ये 9 है, ठीक है ना, और साथ में इसके एब्रीविएशन भी लिख देना, समझ गए ना, एब्रीविएशन भी जल्दी नोट कर लीजिए बेटा, फास्ट 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 जल्दी ले ओ, बड़े आगे देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से प्यारा सा एक और दे रखा है, ये एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नेम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिंबल, जो एब्रीविएशन थी, ठीक है, ऑफिशियल नाम उसका, ऑफिशियल नाम, ठीक है, फिर ऑफिशियली उसका सिंबल, ऑफिशियली उसका सिंबल, जैसे 101 होता तो नाम क्या होता भाई, चेक कर लो, सही है, ठीक है, 102 होता, चेक कर लो एक बार आराम से, जल्दी जल्दी फटाफट चेक कर लो भाई, पढ़ तो लिया ही है बेटा, इस वाले को चेक करिए, इस वाले को देखो, एक ही है ना, दिख रहा है, ये देखो एक ही है ना, और कहीं आ सकता है, इसमें देखिए और तो कहीं नहीं आएगा, ठीक है ना, और नीचे ढक गया वो, ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है, कर तो लेंगे आप, है ना, ठीक है। एब्रीविएशन भी चेक है, चेक कर लीजिए, परफेक्ट, ठीक है, और इन सबके नाम है, ठीक है, प्रोनाउंस करने में थोड़ी जीभ लड़खड़ा जाती है लेकिन, ठीक है, जैसे इशू, चलो ये वाला करके दिखाओ भाई मुझे, ये बताओ, हैसियम है, ये बताओ, बोरियम, बोरियम, ये बताओ, कॉपरनीशियम, कॉपरनीशियम, ये बताओ, निहोनियम, ठीक है, ये बताओ,
आपने सुने नहीं होंगे, पहली बात नहीं सुने होंगे, सही बात है ना, नहीं सुने होंगे आपने, है ना। तो लेकिन आपको, हालांकि आपको याद नहीं रखने, मैंने आपको बस ऐसे ही बता दिए हैं, आपको जो जनरली पूछा 99.9% चांसेस यही होते हैं कि ये वाले पूछेंगे, ये वाले देगा इसके, ये वाले। और किसी के दिमाग में साथ ही खोपड़ी घूम गई तो दे देगा भाई एक नंबर काटने के लिए आपका। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, इसको टेबल पे प्रॉपरली बना लीजिएगा। ठीक है, पता नहीं किस टाइम कब कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, पता रहता नहीं है, रैंडम होता है भाई, पता चलता नहीं है कौन सा क्वेश्चन कब आ गया। क्लियर, फाइन, जल्दी नोट करिए बेटा इसको, फास्ट 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 फास्ट। चलिए बढ़ते आगे, पीरियोडिक टेबल की कुछ यादें देखिए। अब देखिए, जैसे कि आपको बताया पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था कि 18 ग्रुप होते हैं, जो कैसे होते हैं, वर्टिकल, क्या होते हैं, वर्टिकल। ठीक है, और 7 पीरियड होते हैं जो हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, ईच कॉलम इज कॉल्ड अ ग्रुप। ठीक है, हर कॉलम को ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, द ग्रुप हैव बीन नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18, सही है, 1 से 18 होते हैं। ठीक है, इन अरेबिक नंबर न्यूमरल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ग्रुप 1 ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है आपका, सपोज पीरियोडिक टेबल है तो इस वाले साइड का एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको ग्रुप 1 होता है। ठीक है, लेफ्ट पोजिशन कंटेन्स एल्कली मेटल, जो बताया था मैंने आपको पहला ग्रुप वाला, जिसमें लिथियम है, ये सारे थे। ठीक है, ओके, एंड ग्रुप 18 ऑन द एक्सट्रीम राइट, बिल्कुल इस साइड पे, ठीक है, पोजिशन कंटेन्स नोबल गैस, जो ये है आपके, परफेक्ट है, सब आपके दिमाग में होगा, है ना। ठीक है, फिर बोला गया ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हर ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलर होगी। यहाँ देखिए, जैसे जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में कौन सा आता है भाई, ये आता है, ये आता है, ये, हाँ कि ना, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी, देखिए कॉन्फिगरेशन की, 2s1 2 कॉमा 1 2.8.1 2.8.8, परफेक्ट है। ठीक है, इसकी देखिए 17th, इसको एल्कली मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एल्कली मेटल, बोलिए एल्कली मेटल, इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन्स, क्या बोलते हैं, 17th ग्रुप एलिमेंट कॉल्ड हैलोजन्स। ठीक है, ये देखिए 7 7 7 7, परफेक्ट है। ठीक है ना, क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, यू कैन सी इन केस ऑफ ग्रुप 1 एल्कली मेटल एंड ग्रुप 17 एलिमेंट जिसका नाम है हैलोजन्स, दैट एज वन मूव डाउन द ग्रुप मोर एंड मोर शेल आर एडेड। ठीक है, मतलब शेल एड हो रहे हैं, जैसे इसमें 2 शेल थे, इसमें 3 शेल हो गए, इसमें 4, इसमें 5 हो गए, लेकिन वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 शेल थे, 3 4 5, लेकिन नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उतने ही है, परफेक्ट है ना। ठीक है, परफेक्ट, ओके, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिथियम, ठीक है, हैज 2 शेल, सोडियम हैज 3 शेल, पोटेशियम है, पोटेशियम 4 शेल, रुबिडियम पे 5 शेल है। ठीक है, सिमिलरली ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 हैव 7 हाउएवर द नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजेस फ्रॉम 2 in fluorine and 5 in iodine, परफेक्ट है बेटा, क्लियर। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे तक अगर आप आओगे तो भाई नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेंगे। ठीक है, बस क्या ऐड होंगे, नंबर ऑफ शेल ऐड हो देंगे। ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, परफेक्ट है, इसीलिए तो उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, इसलिए तो उनकी प्रॉपर्टी सेम है ना, कि उनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जनरली क्या करता है, रिएक्ट करता है दूसरे से, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे यहाँ पे इसको हम देखें, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है, सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है भाई, सोडियम तो सॉरी पोटेशियम जो होता है, हमें सोडियम की नॉलेज है, सोडियम सबको पता है, यूट्यूब पे कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सोडियम के, भाई पानी में डाल दिया वो इधर से ब्लास्ट करके उधर जाता है ना, लेक में डाल देते हैं, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, और ये दोनों ऐसे एलिमेंट है जिसको आप चाकू से काट सकते हो। हाँ कि ये सब ने पढ़ा होगा, है ना, सब ने पढ़ा होगा, सोडियम को काट सकते हैं, पोटेशियम को भी काट सकते हैं बेटा, पोटेशियम को भी काट सकते हैं, क्लियर। चलिए बढ़ते आगे, देखिए अब जो पीरियोडिक टेबल है, वो जो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है वो 4 भागों में बटा हमने देख लिया, एस ब्लॉक में,
पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, ठीक है ना। एफ ब्लॉक वाले जो नीचे आ गए थे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स आ गए थे, ठीक है। और जैसे ये पूरा प्रेडिक्टेबल था, तो इस साइड में जो है आपका क्या था, एस ब्लॉक, इस साइड में जो था वो पी ब्लॉक, और बीच वाला जो यहाँ पे था वो डी ब्लॉक, और बीच में भी यहाँ पे जो था बीच के वो एफ ब्लॉक जो नीचे आ जा रहा था, ठीक है ना, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स इस तरीके से था बेटा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डिविजन ऑफ एलिमेंट्स इंटू एस पी डी एफ ब्लॉक एंड दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, परफेक्ट, ठीक है। फिर बोला गया एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइडेड इनटू फोर ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हाँ कि ना, बिल्कुल ठीक है। दिस डिविजन इज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स, दीज आर वो है सबसे पहला एस ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, एस ब्लॉक, कौन सा बाबू जी, एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक का देख लेते हैं आप सबको पता है एस ब्लॉक में दो ही होते हैं ग्रुप, ग्रुप वन ग्रुप टू, ग्रुप वन को बोलते हैं एल्कली मेटल, ग्रुप टू को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, ठीक है। ग्रुप वन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप टू के अंदर आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ओके। एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एस सब एस ऑर्बिटल, वही है ना, एस सब शेल है ना, ऑफ देयर रेस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड, ठीक है। फिर सिंस एस सब शेल कंटेन ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर आर ओनली टू ग्रुप ऑन, ठीक है, एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए उसके पास एस ऑर्बिटल में कितने ग्रुप होंगे, दो, S1 और S2, ठीक है ना, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एल्कली मेटल, जिसके पास कॉन्फिगरेशन होगी NS1, जैसे हम लेके चलते हैं लिथियम ले लिया जी मैंने, ठीक है, लिथियम क्या होगा आउटर मोस्ट शेल का 1s2 2s1, ठीक है, देखिए लास्ट में 1, ठीक है। इसके बाद आ गया सोडियम, ये क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1, देखिए फिर से 1 है। फिर अगर पोटेशियम ले लेके तो 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s1, देखिए लास्ट फिर से है ना, मतलब लास्ट में ग्रुप वन के लिए हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप टू के लिए क्या होगा NS2, ठीक है, NS2 क्या होगा NS2, ग्रुप वन की कॉन्फिगरेशन क्या होगी NS1 और ग्रुप टू की क्या होगी NS2, ठीक है, NS2 यानी एंड NS1 इसका हो गया ग्रुप वन का, एंड सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसकी कॉन्फिगरेशन NS2, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जनरल मतलब पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी फिर NS1 से लेके 2, क्योंकि 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है भाई, है ना। अगर NS1 हुआ तो ग्रुप 1 के लिए, NS2 हुआ तो 2 के लिए, मतलब NS1 से लेके 2 हो सकता है, परफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फिर यहाँ पे इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, किस तरीके के होते हैं ये, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये देख लीजिए, पहला दे आर सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग एंड बीपी, परफेक्ट, ठीक है। सेकेंड दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है किसी भी एलिमेंट से, ये हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है वैसे, जैसे ये सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, और मैं एक बाहर से एनर्जी लगाता हूँ कि इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लूँ तो ये जल्दी छोड़ देगा क्योंकि ये मेटल है। हाँ भाई, ये ग्रुप जो एस ब्लॉक एलिमेंट है सारे के सारे मेटल होते हैं, और मेटल तो बैठा ही होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, है ना, मतलब उसमें कम एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, जो अप्लाई करता हूँ बाहर से एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे क्या बोल रहा हूँ मैं, आयनाइजेशन एनर्जी, क्लियर ना, ठीक है। ये आपको अच्छे से टॉपिक पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर, तो बस इतना याद रखिए किसी भी चीज से, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी यूज होती है, ठीक है ना, उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एंड हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं भाई, सोडियम पे कभी नेगेटिव चार्ज तो होता नहीं है क्योंकि वो मेटल है, मेटल है तो भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बैठा है वो, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर लेगा पॉजिटिव, मतलब वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और सोडियम तो बहुत ज्यादा होता है भाई, सोडियम तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, आखिर ना, ठीक है। फिर लिखा देखिए रिएक्टिव है, बोल भी दिया, ठीक है। फिर दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्टर लेगा, मेटल है ना भाई, मेटल है तो करेगा ही ना, मैग्नीशियम भी करता है, ठीक है, ओके। तो ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है ये, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले पे, आगे अब आपका पी ब्लॉक, पी ब्लॉक आपका इस साइड में होता है, ठीक है ना, ठीक है।
और टोटल उसके अंदर कितने ग्रुप होते हैं? छह ग्रुप होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एनी वन ऑफ थ्री पी ऑर्बिटल, पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं ना, ठीक है, ऑफ देयर रेस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू द पॉलीज दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो तीन में कितने आएंगे? छह आएंगे बेटा, ओके, ठीक है। सो देयर आर टोटल सिक्स ग्रुप इन द पी ब्लॉक, ठीक है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम सिक्स, तो सिक्स होंगे, ठीक है, ओके। द ग्रुप थ्री थर्ड थर्टीन इज कॉल्ड बोरोन फैमिली, जिसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी? NS2 NP1, जैसे हम देख लेते हैं, ये बोरोन है मेरे पास, ठीक है बेटा, बोरोन, ठीक है, ये होगी 1s2 2s2 2p1, ये होगी कॉन्फिगरेशन की, ठीक है। इसके बाद जो उसमें बगल वाला आया, बोरोन के बाद कौन सा आया भाई? बोरोन के बाद बोलो बेरिलियम, सॉरी बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन, तो क्या होगी 1s2, ये आउटर मोस्ट का देखना है हमें, ये तो 1 जो है ये इनर हो गया, तो इनर को लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा 2s2 2p2, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। तो ये 1s1 तो सब में ही रहेगा, 1s2 सॉरी 2s2 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 2s2, ठीक है, ये हो जाएगा 2p3 2p4 2p5 और 2p6, क्लियर है, मतलब 1 से लेके 6 तक। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी? बोरोन के लिए होगी NS2 से लेके NP1 तक, फिर 14 के लिए क्या होगी? 2 तक, देखिए लिखा हुआ है, 15 के लिए क्या होगी? ये 16 के लिए क्या होगी? ये 17, ये और 18 के लिए क्या होगी? ये, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी? NS2 से लेके, जो मैंने लिख दिया आपको, कहाँ लिखा, ये लिखा था कि NS2 से लेके NP1 से लेके 16, परफेक्ट है ना, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द आयनाइज, ये भाई नॉन मेटल होंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हो आप उससे? मुश्किल ही निकाल पाओगे, तो अगर निकालना भी है तो बहुत ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी और एनर्जी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची समझते हो ना, क्या होते हैं इंग्लिश में? सिनोनिम्स, ठीक है, ठीक है। देयर आयनाइजेशन एनर्जी आर कंपैरेटिवली हायर देन द एस सबशेल, क्योंकि एस सबशेल तो मेटल है, मेटल से तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी है भाई, है? लेकिन नॉन मेटल जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो जनरली क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, परफेक्ट, ठीक है। दे मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट, क्योंकि भाई नॉन मेटल है, कोवेलेंट ही फॉर्म करेगा, ठीक है। सम ऑफ देम शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल, मतलब किसी और चार्ज पे पाए जाते हैं, ठीक है। दे इंक्लूड बोथ मेटल नॉन मेटल, ठीक है, मेटलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्लियर, इसको भी नोट कर लीजिएगा, परफेक्ट है, क्लियर, जल्दी नोट करिए बेटा। अब आते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं, सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। कुछ रिएक्टिव है, कुछ ज्यादा रिएक्टिव, कुछ कम रिएक्टिव है। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द, पांच होते हैं डी में ऑर्बिटल, पांचों में से एक में होना चाहिए, ऑफ देयर रेस्पेक्टिव, क्या लिखा है, पेनूल टीमेट, ठीक है, पेनल्टीमेट शेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पांच होते हैं ऑर्बिटल, तो पांच में 10 आ सकते हैं मैक्सिमम। सो देयर आर टोटल 10 ग्रुप, इसलिए इसमें कितने ग्रुप होते हैं? 10, ठीक है। दीज आर फ्रॉम 3 से लेके 12 तक इन द पीरियोडिक टेबल। दे आर फर्दर डिवाइडेड इन टू 4 सीरीज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, तो पहली होती है, ठीक है, जैसे ऐसे वाले में 3 4, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल की बात करी जा रही है,
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। जनरली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई इसकी, होगी जैसे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एक के लिख के दिखाता हूँ आपको। स्कैंडियम लिखता हूँ, सपोज स्कैंडियम होता है 21, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन तो इसका इनर मोस्ट हो गया, तो आउटर मोस्ट क्या हो गया 4s2 3d1। मतलब जो 4 के जो s के आगे जो n लगा है और 3 के आगे जो n लगा है उसमें एक का डिफरेंस है, समझ गए, इसलिए लिखा हुआ है वहां पे देखिए कि n s 0 से लेके 2 और n माइनस 1 d कहां से लेके 1 से लेके 10 तक। ये 10 मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, एक होगा है, और हाईएस्ट कितना हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इसकी, क्लियर। और जनरल प्रॉपर्टीज ये आप देख लीजिएगा एक बार खुद ही, ठीक है। हार्ड होते हैं भाई, मेटल होगा, डक्टाइल होगा, मेटल की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। मेटल द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड हो गई, ठीक है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट है अलग अलग चार्ज पे पाया जाएगा, अलग अलग चार्ज पे। कभी जैसे बात करते हैं Fe की देख लेते हैं, Fe आयरन को ही देख लेते हैं, Fe कभी पे Fe2+ पाया जाता है, Fe पे कभी +3 पाया जाता है। मतलब ये जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट लाते हैं, किसी भी एलिमेंट पे जो ऑथेंटिक चार्ज होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे क्या चार्ज है इस पे +2, तो इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, ठीक है। यहाँ पे क्या है +3, ठीक। और ये जो होते हैं कलर्ड वाले होते हैं, ठीक है, लोहे पे, लोहे को बारिश में रख दो, पानी में रख दो, नमक के पानी में रख दो, कलर उसका कलर अलग हो जाता है, रेडिश ब्राउन जो जंग पड़ जाती है यहाँ कलर्ड। बहुत सारे मेटल्स हैं ऐसे, ठीक है, जो कलर्ड होते हैं। चांदी, चांदी काली पड़ जाती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि यहाँ का पानी गंदा है, हाँ सही है ऐसा, ठीक है। तांबा हरा पड़ जाता है, ठीक है, कोरोजन ही कहते हैं इसको हम, रस्टिंग फॉर आयरन, एंड इसके लिए सबके लिए क्या होता है, कोरोजन होता है, ठीक है। दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। मेटल है तो कोवेलेंट और आयनिक दोनों फॉर्म कर सकता है। मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर फॉर्म अलॉय, अलॉय मतलब अलॉय समझते हो आप, अलॉय क्या होता है, अलॉय मतलब होता है दो मेटल्स का मिक्सचर, ठीक है, दो मेटल्स का मिक्सचर। जैसे हम बात करते हैं सपोज मैं कहता हूँ मैं एक रिंग पहनता हूँ गोल्ड की, तो वो क्या है, वो मेटल है पूरा प्योर, नहीं बिल्कुल नहीं, वो अलॉय है, क्योंकि उसके अंदर उस क्योंकि जो गोल्ड है, गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसको हार्ड बनाने के लिए उसे इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं हम, इन द फॉर्म ऑफ कॉपर, इन द फॉर्म ऑफ चांदी, तो वो हार्ड बनता है। तो मतलब कहने का हुआ दो मेटल का मिक्सचर पहन रहा हूँ मैं, उसे ही बोलते हैं अलॉय, नहीं यार समझ। एक और देख लो ना, स्टील देख लो आप, स्टील कोई किसी कोई एलिमेंट नहीं है, स्टील कोई एलिमेंट नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ मेटल है, जिंक और लोहे का, जिंक और लोहे का वो मिक्सचर है मेटल का बेसिकली, है ना। तो अलॉय क्या होता है, दो मेटल्स का मिक्सचर इज कॉल्ड अलॉय, क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट, ओके। ये आज का लास्ट लेक्चर का लास्ट है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, लंबा हो गया लेक्चर हैं, तो देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है, एफ सबशेल में टोटल 7 सबशेल होते हैं, 7 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14, ठीक है। एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन वन ऑफ द 7 में से एक, ठीक है, ऑफ द रेस्पेक्टिव एंटी, ठीक है, शेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल जनरल आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये एन माइनस टू, ठीक है, एफ 0 से लेके 14, इसको याद रखिएगा, पूछी जाती है एस की नहीं पूछी जाएगी, पी डी एफ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 मार्क की आती है, ठीक है, 1 मार्क की नोट कर लीजिएगा, 1 मार्क की आती है, ठीक है, एन माइनस 1 डी 0 से लेके 2 एन एस 2, ठीक है, एन की वैल्यू 6 और 7 होगी, क्योंकि वो नीचे ही पाए जाते हैं, है ना। देयर आर इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल देख लीजिए बेटे, हैवी मेटल होंगे, दे आर जनरली हैव मेटल है भाई, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अलग अलग चार्ज पे पाए जाएंगे, ठीक है, कलर्ड भी होते हैं बहुत, ठीक है, लॉरेंशियम वॉरेंशियम यूरेनियम बहुत ज़्यादा कलर्ड होते हैं। दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, अलग अलग तिगड़े अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, खतरनाक खतरनाक टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं ये, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड आर रेडियो एक्टिव, क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा ये लेक्चर 1 है आपका, क्लियर। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए टेक केयर।